अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज पूरे मुल्क में एक ही एजेंडे पर काम किया जा रहा है और वो है मुस्लिम दुश्मनी। मुसलमानों को लेकर किस हद तक नफरत फैलाया जाए, एक नैरेटिव बनाया जाए, लिहाजा इसके लिए तमाम हथकंडे, तमाम तरक्की सभी ले इस्तेमाल की जा रही है। अब यह नफरत मुल्क माशरे के हक में कितना फायदेमंद है या फिर कितना नुकसानदेह है, अब इसे सोचने की जरूरत नहीं है। कहते हैं जितना जोर से झूठ बोला जाता है उतना ही इसे सच साबित करने में झूठे लोग कामयाब हो जाते हैं। जाहिर है इसका इलाज भी इसी तरह से होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि अगर वो झूठ की बुनियाद पर नफरत फैला रहे हैं तो हम भी इसी तरह नफरत ही फैलानी होगी, लेकिन इतना जरूर है कि जब झूठ को चीख चीख कर सही साबित करने की कोशिश की जा रही है तो सच को भी उतना ही जोर से बोलना होगा। यह अलग बात है कि इस दौर में सच को साबित करना पड़ रहा है, जबकि सच को किसी बात की दलील नहीं लगती। अब कश्मीर फाइल्स को ही ले सकते हैं कि कैसे इसे साबित करने की कोशिश की जा रही है, और साथ में मुसलमानों से नफरत बड़े ही मुनज्जम अंदाज में हर फर्द के जहन में पैवस्त करके उसे खूंखार बनाया जा रहा है। एक भीड़ तैयार की जा रही है जिसके जरिए नस्लकशी करना शायद जिम्मेदारी की तरह समझाया जा रहा है। और ताज्जुब तो यह है कि तमाम मुल्क में कश्मीर फाइल्स के जरिए एक समाज को, एक तबके को खुलेआम मारने काटने की धमकी दी जा रही है और इसे सरकारी तौर पर अंजाम दिया जा रहा है, क्योंकि अब इस फिल्म को टैक्स फ्री भी किया जा रहा है। यहाँ तक इत्तला हासिल हुई है कि स्कूल के बच्चों में भी इस फिल्म को दिखाने का मंसूबा कर्नाटक हुकूमत की जानिब से होने की बात कही जा रही है। खैर, अगर मुल्क को, मुल्क की एकता को, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बरकरार रखने की जिम्मेदारी भी यहाँ के आवाम पर बढ़ जाती है, जो लोग ये सोचते हैं कि इस मुल्क को बचाना चाहिए, जो लोग मुल्क की तहजीब, इसकी गंगा जमुनी तहजीब को बचाना चाहते हैं, मुल्क का संविधान बचेगा तो मुल्क की तहजीब, इसकी रूह, इसकी एकता, अखंडता भी बरकरार रह सकती है। लेकिन जिस दिशा में मुल्क आगे बढ़ रहा, हालात और भी बदतर बनते जा सकते हैं। ऐसा लग रहा है, जाहिर है, मुल्क में मेन स्ट्रीम मीडिया से भी ज्यादा ताकतवर सोशल मीडिया बनता जा रहा है और सोशल मीडिया के जरिए नफरत और फेक न्यूज का सैलाब साजिश के तहत बहाया जा रहा है। अगर इसे वक्त से पहले ना रोका गया तो मुल्क और इस मुल्क में रहने वाली तमाम शहरियों को इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। जैसा कि रात इंदौरी ने कहा था कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। पर वक्त गुजर जाने के बाद अफसोस करने से कुछ फायदा नहीं होता और कुछ हाथ आ सकता है। एक तरफ भाजपा आई टी सेल, RSS का सोशल मीडिया पर कब्जा और दिगर मीडिया जैसे फिल्में, टीवी सीरियल सभी पर तो झूठ का ही बोलबाला है और इस पर फिरका परस्तों का तसल्लुत है, कब्जा है। जाहिर है मुस्लिम माशरा निशाने पर है, तो मुस्लिम माशरे को भी कुछ हरकत करना जरूरी है, जरूर करनी पड़ेगी। और इस पहल को अंजाम दिया है ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट काउंसिल ने। हैदराबाद में 2 दिन का बेहतरीन सोशल मीडिया समिट का एहतमाम किया था, जिसमें मुल्क भर से 100 के करीब मुस्लिम यूट्यूबर्स को जोड़ा गया था और इन 2 दिनों में इसी बात पर तबादले ख्याल किया गया, आखिर किस तरह इस मुल्क की एकता, अखंडता को बरकरार रखा जाए, भाईचारे को बरकरार रखा जाए, जो जहर माशरे में संघ परिवार की जानिब से सिर्फ इक्तदार, सत्ता हासिल करने के लिए घोला जा रहा है, इसे रोका जाए। पूरे मुल्क से भारत की तहजीब को बचाने के लिए, इत्तेहाद के पैगाम को आम करने के लिए सोशल मीडिया समिट 2022 का एहतमाम किया गया था, जो कामयाबी के साथ अमल में आया। किसी तरह से देश में हिंदू मुसलमानों के दरमियान बढ़ती खाई को खत्म करके भाईचारे को आम करे, इस पर तवज्जो दिलाई गई। आखिर किस तरह नैरेटिव सेट किया जाता है, प्रोपेगेंडा कैसे चलाया जाता है और झूठ की बुनियाद रखकर मुल्क के भाईचारे को खत्म कर हिंदू राष्ट्र का एजेंडा फिरका परसों की जानिब से नफरत, घृणा को हर शहरी के जहन में बिठाया जाता है और इसको खत्म करने के लिए मुस्लिम माशरे में जो मीडिया है, जिन लाखों लोग देखते हैं, इनका देश के अमन को बरकरार रखने के लिए कैसे किरदार निभा सकते हैं, इस पर अलग अलग सेशन में समझाया गया। भाई मोहसिन, भाई इम्तियाज, भाई तलहा, आसिफ मुस्तफा भाई ने भारत में झूठ के जरिए मुल्क की दिशा को कैसे गलत राह पर ले जाया जा रहा है समझाया। अल्हम्दुलिल्लाह इत्तेहाद न्यूज़ को भी इसमें बुलाया गया था, मुल्क के अहम 100 न्यूज़ चैनलों में इत्तेहाद न्यूज़ को भी शरीक किया गया, ये महज अल्लाह का ही शुक्र कह सकते हैं। खैर, झूठे प्रोपेगेंडे को जवाब देने के लिए, काउंटर करने के लिए मुस्लिम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का कायम अमल में आना, ये भी एक तरह से इनकलाबी इकदाम कह सकते हैं। आगे और भी हालात बद से बदतर हो सकते हैं, इसमें समाज को, माशरे को, मुल्क के भाईचारे को कैसे बचाया जा सकता है। और जाहिर है, जब हुकूमतों के जेर मातहत इंतजामिया, पुलिस भी काम करने लगती है तो इसके लिए भी क्या जरूरी इकदाम उठाने होंगे, इस पर भी जल्द फैसला लिया जाएगा। रियासतों की सतह पर भी इस तरह की सोशल मीडिया कमेटियां तश्कील दी जाएंगी। अदालत, पुलिस थानों में अगर किसी मुस्लिम साहबी को किसी सियासी लीडर के
दबाव में कार्रवाई की कोशिश होती है तो ऊपरी सतह पर कैसे मुकाबला किया जा सकता है, कानूनी पहलू क्या होंगे, इस पर भी तबसरा किया गया। सोशल मीडिया माशरे में झूठ के साथ सच को भी उजागर करने का काम अंजाम दे रहा है। मिनिस्ट्री मीडिया को लोगों ने देखना बंद ही कर दिया है, क्योंकि सभी समझ चुके हैं कि यहाँ सिर्फ झूठ ही परोसा जाता है। जाहिर है गोदी मीडिया का नाम भी दिया गया है, लेकिन अब सोशल मीडिया में भी फिरका परस्त सरगर्म हो चुके हैं। हजारों आईटी सेल के कारकुनान पैसा लेकर मुसलमानों के खिलाफ जहर फैलाते रहते हैं। फसाद, नस्लकशी, मॉब लिंचिंग इन्हीं आईटी सेल की देन है। दुनिया में भारत में ही सबसे ज्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है। तकरीबन 80 करोड़ लोग सोशल मीडिया से जुड़े रहने की रिपोर्ट हासिल है। इख्तदार की कुर्सी हासिल करने के लिए भी सोशल मीडिया का किरदार अहम बन चुका है। अब जब कश्मीर फाइल्स के जरिए मुसलमानों को निशाना बनाने की मुकम्मल कोशिश की जा चुकी है, अवाम के रोने के वीडियो यानी कि थिएटर में वो फिल्म देखने के बाद उनके आंसू निकल रहे, इस तरह के वीडियो एक प्लान के तहत बनाए जा रहे हैं। जाहिर है दूसरी तरफ से गुजरात फाइल्स पर भी फिल्म बनाने की मांग की जा रही है, और जाहिर है गुजरात फाइल्स जो गुजरात फसाद पर मुबनी है, अब इसके अंदर किसका हाथ है, किसके हाथ खून से रंगे हैं सभी जानते हैं। इसी सोशल मीडिया से ये भी आवाज उठाई जा रही है, कश्मीरी पंडितों के कत्ल को जेनोसाइड बताकर, जिनकी तादाद 90 है, तो मुसलमानों को हजारों की तादाद में मारा गया है। अनुपम खेर जो इस फिल्म में कश्मीरी पंडित का किरदार निभा रहे हैं, कैसे झूठे घड़ियाले आंसू बहा रहे हैं, इसे भी बेनकाब किया गया है। खासकर अंजना ओम कश्यप और अनुपम खेर न्यूज रूम में रोते रहते हैं, लेकिन बाहर आकर कैसे खिलखिलाकर हंसते हैं, ये भी तस्वीरें वायरल हो चुके हैं। जहां मुसलमानों को लेकर इतना बड़ा वबाल काटा जा रहा है, शायद ही कोई दिन गुजरा हो जो मुसलमानों के खिलाफ कोई साजिश या कोई बयान ना दिया गया हो। इन तमाम मुसीबतों परेशानियों के दरमियान मुस्लिम समाज का समझदार, दीनदार, दुनियादार, जिम्मेदार आवाम, कायद सभी सुकून में नजर आ रहे। इनके नस्लकशी की बात कही जा रही है, साजिशें खुलेआम बनाई जा रही है। अगर कोई मुसलमान कुछ कहता है तो UAPA के तहत 4 साल अंदर भी भेज दिया जाता है, और यह खुलेआम मुसलमान बच्चों, औरतों, बूढ़ों को बिना किसी डर खौफ के जान से मारने की बात करते देखा जा रहा है। छोटे बच्चों को तक मारने की बात कहते हुए सोशल मीडिया पर बेखौफ बोले जा रहे हैं। यही फिरका परस्तों की जानिब से रोजाना इस तरह की वीडियोज वायरल किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एक अफसोसनाक पहलू ये भी है कि मुस्लिम माशरा बेगैरत की नींद में मुलविस है, इन्हें किसी भी बात का असर नहीं होता। ऐसा लगता है कि तकरीबन माशरा बेहिस हो चुका है, इसका एहसास ही मर चुका है। आखिर इसके साथ क्या होने वाला है समझ में नहीं आ रहा, आखिर किस दिन के इंतजार में ये कौम है समझ में नहीं आ रहा। बेलगाम शहर की बात की जाए तो होटलों में खाने वालों की तादाद बहुत बड़ी है, बड़े का गोश्त और मोबाइल के दरमियान ही इनकी जिंदगी गुजरती रहती है। ऐसा नहीं कि कुछ ना समझ ही लोग इसमें मुलविस है, अपने आप को कौमी हमदर्द और दीनी बाशऊर समझने वाले भी सब कुछ ठीक है की तरह जी रहे। खैर, सोशल मीडिया समिट जो आंध्र प्रदेश में हुआ, एक बेहतरीन इकदाम के तौर पर देखा जा सकता है। हमारे नौजवान सुबह शाम मोबाइल में आंखें गड़ाए बैठे रहते, लेकिन अगर इसे सही सिमत में इस्तेमाल किया जाए तो कुछ हद तक हालात के रुख को मोड़ भी जरूर सकते हैं। आइए देखते हैं इस पर कुछ मंजर। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। मेरा जर्नलिज्म और एक्टिविज्म से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन जब 2017 में सीएम पद की शपथ योगी आदित्यनाथ ने ली तो उन्होंने मुझ पर शेडिशन के तहत मुझ पर कार्रवाई की, जिसके बाद मेरी मजबूरी बन गई थी कि मुझे एक्टिविज्म में कदम रखना ही था। जो मेरे साथ हुआ है वो किशोर के साथ ना हो। फिर मैंने देखा कि कुछ मीडिया हाउसेज ऐसे भी थे कि मेरी स्टोरीज लिखी, उन्होंने मेरे इंटरव्यू लिए, लेकिन उनको वो इसलिए पब्लिश नहीं कर पाए क्योंकि मैं एक मुस्लिम था और मीडिया हाउसेज पर दबाव आते रहे थे कि ये स्टोरी यदि पब्लिश होती है तो हमारे मीडिया हाउसेज पर सरकार की तरफ से कार्रवाई हो सकती है। वो BBC भी उसमें शामिल था, बड़े बड़े मीडिया हाउसेज शामिल थे। उसके बाद फिर मैंने फैसला लिया था कि एक्टिविज्म में मैं NCHRO के साथ अपने एक्टिविज्म को अंजाम दे रहा हूँ। फिर मेरी मजबूरी बन गई कि मुझे अब जर्नलिज्म में ही जाना है, और मैं जर्नलिज्म में आया तो आज मैं NewsClick और NewsCircle.net के साथ साथ मैं फुल टाइम जो मिलन टाइम्स के लिए काम कर रहा हूँ। और हमारे मिलन टाइम्स पर आज अल्हम्दुलिल्लाह YouTube पर लगभग 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, और अगर उसके तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के फॉलोअर्स आप जुड़ेंगे तो 20 लाख के करीब हमारे फॉलोअर्स बैठ जाते हैं। और एक बड़ी बात तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन इतना है कि हाँ, अगर हमको किसी कोई भी कंटेंट अगर वायरल कराना है तो उसके लिए अपना हाथ इतने मजबूत है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम करोड़ों से ज़्यादा उस पर व्यूज़ दे सकते हैं, करोड़ों से ज़्यादा हम उसको जो है लोगों तक पहुँचा सकते हैं। शुक्रिया। मेरा नाम इकबाल अहमद है,
हमारा हम जकाती और इत्तेहाद न्यूज़ हमारा न्यूज़ चैनल है और हिंदी और उर्दू अखबार भी है और हमारी पंचलाइन है इत्तेहाद जिंदगी इंतजार मौत। अब दूसरी बात यह है सर, तालियां बजाइए वाकई में इस चीज के लिए, इत्तेहाद जिंदगी इंतजार मौत। सबसे पहले आप लोग मुबारकबाद के काबिल हैं कि पूरी मुल्क सतह पर आपने तमाम लोगों को यहाँ पर जोड़ा है, क्योंकि जैसे ही 5 रियासतों के चुनाव के नतीजे आए तो कहीं तो मायूसी आ रही थी। ऐसे वक्त में वो अल्लामा इकबाल का शेर मुझे याद आता है कि गुलामी में ना काम आती हैं तदबीरें ना शमशीरें, जो हो जौक यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। तो लिहाजा ये आप लोग वाकई मुबारकबाद के काबिल हैं कि इस तरह का जो आपने रखा और उसमें हम जैसे लोगों को दावत दी। और मैं यहाँ पर जाकिर अली भाई को भी मैं फॉलो करता रहता हूँ फेसबुक पर और मैं उनसे भी मुतासिर हूँ, समझ लीजिए। तो यहाँ पर कई सारे लोग हैं जिन्हें देखकर मैं थोड़ा थोड़ा सीखते हुए आज तकरीबन 1 करोड़ के करीब व्यूज हैं 2013 से मैं ये चला। किसी भी कौम के पास मेरा ये मानना है कि 3 तरह के प्लान्स होने चाहिए। हम लोग अक्सर शॉर्ट टर्म प्लान जानते हैं, लॉन्ग टर्म प्लान जानते हैं, ये भी हमें बहुत देर के बाद पता चला है, लेकिन मैं इसमें एक और चीज़ बोलता हूँ, हमारे पास एक इमरजेंसी प्लान होना चाहिए कि आज अगर कुछ हो जाए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहली। दूसरी बात ये कि हमें अगले 2 साल में हम क्या अचीव करना चाहते हैं, हमारा बहुत क्लियर कट क्राइटेरिया होना चाहिए। अगर हम इतने लोग यहाँ जमा हुए हैं, वी शुड अग्री ऑन समथिंग वेरी कॉमन। नेगेटिव रोल किसका होता है? मुसलमान का होता है। तो ये लगातार बिल्डअप किया जा रहा है, ये आज से नहीं कई सालों से ये काम होते आ रहा है। ट्रेलर ये 7/11 बॉम्ब ब्लास्ट केस के ऊपर फिल्म बनाई है। एक्चुअली सुनीत्रा चौधरी ने किताब लिखी है, NDTV की जर्नलिस्ट है, बिहाइंड द बार, और उस किताब में उसने बहुत सारे लोगों की स्टोरीज लिखी थी, 12-15 लोगों की, उसमें एक स्टोरी मिली थी। और बॉम्बे का एक दलित नौजवान है, सुदर्शन कमरे नाम है उसका, उसने वो किताब पढ़ी, उसने सर्च किया, मेरी किताब तक पहुंचा, मेरे नंबर को हासिल किया, मुझ तक पहुंचा और ये फिल्म बनाने की उसने बात की। अपना घर बेच दिया, अपने बीवी के जेवरात बेच दिए और उसने अब ये फिल्म बनाई, 1.5 करोड़ रुपये लगा। फिल्म इंडस्ट्री का कोई भी आदमी इस फिल्म को रिलीज़ करने के लिए तैयार नहीं। कई बड़े बड़े लोगों को, नसीरुद्दीन शाह, महेश भट्ट और कई बड़े लोगों को उसने फिल्म दिखाई, लेकिन सब ने ये कहा कि अगर हमने ये फिल्म रिलीज़ की तो सबसे पहले गोली आगे हमको लगेगी, सॉरी मैं फिल्म रिलीज़ नहीं कर सकता। मकसद यही है कि जो 12 लोग कैद हैं, जिनको फांसी लगी है, किसी तरह से उनको कोई रिलीफ मिल जाए, किस तरह से उनको कोई आसानी मिल जाए। अब ये फिल्म कैसे रिलीज़ होगी, कितनी पहुंचेगी, कहां तक पहुंचेगी, भारत के हालात आप जानते हैं, मैं कुछ नहीं कह सकता। आपसे सिर्फ आखिर में एक रिक्वेस्ट ये है कि मुझसे आप सुदर्शन का नंबर लीजिए, जो डायरेक्टर है उससे बात कर सकते हैं, उसका इंटरव्यू ले सकते हैं और आप अपने चैनल पे उसको प्रमोट कर सकते हैं। बल्कि यूपी का अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे तो आधा इलेक्शन तो पहले स्टार्टिंग का जो तकरीबन 4 फेजस थे, 3 या 4 फेजस, वो पूरा का पूरा सोशल मीडिया पर लड़ा रहे, और उसका एक अनड्यू एडवांटेज जो है बीजेपी को मिला, वो एक उसकी जगह अपनी जगह एक चीज़ है। मगर इसके ऊपर हमारा आप लोग जो ये भी सोच रहे हैं कि हमारा इससे क्या, यानी यहाँ पे जो मीडिया के लोग बैठे हुए हैं तो हमारा इससे क्या एक कनेक्शन हो सकता है, रिलेवेंसी क्या है, तो रिलेवेंसी ये है कि अब एक अंदाज में ये कहूँ मैं कि भाई फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है कम्युनिटी के, वो हम लोग हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस व्हेन इट कम्स टू प्रोपेगेंडा, व्हेन इट कम्स टू क्या बोलेंगे इस्लामोफोबिया जब फैलाया जाता है तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमें, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारे पास आता है, हम लोग अगर उसको डिफेंड करते हैं उससे हमारे फॉलोइंग में या सोशल मीडिया के लोग हैं तकरीबन, ऑनलाइन मीडिया के, डिजिटल मीडिया में काम करने वाले, मेनस्ट्रीम मीडिया, तो मीडिया का पूरा जो एक होल्ड है उसके तालुक से है। मोहब्बत कर लेते हैं हम, कैसे हिंदू मुस्लिमों साथ रहने वाले भारत को बचाएं, ना कि हम नफरत फैलाने वाले भारत को बढ़ने दें, ऐसी ताकतों के खिलाफ जो हमें तोड़ना चाहती हैं, हमारे मुल्क को तोड़ना चाहती हैं, उनके खिलाफ हम कैसे काम कर सकते हैं, आतंकवाद के खिलाफ, भगवा आतंकवाद के खिलाफ, फेक न्यूज के खिलाफ, गोदी मीडिया के खिलाफ, जो लोग आपके आपके जहन में हमारे बच्चों की नसों में जहर भर रहे हैं, हम उनको कैसे रोक सकते हैं, ये उसकी एक कोशिश थी, जो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ AIMDC का और इम्तियाज साहब का कि आपने ये मौका सबको दिया। दूसरी बात, सबसे बढ़िया बात जो इस प्रोग्राम में रही वो शुक्र ये था कि AIMDC जो कि एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें सब किस्म के लोग हैं, हर पार्ट
पार्टी से रिलेटेड लोग हैं, वो लोग हैं जो मुसलमानों की खैरख्वाही चाहते हैं, इस मुल्क की खैरख्वाही चाहते हैं, जो फासिस्ट ताकतों से लड़ना चाहते हैं। इस सबसे अच्छी बात इस प्रोग्राम की रहेगी, किसी भी पार्टी पॉलिटिकल पार्टी का कोई इससे जुड़ाव नहीं रहा, हम सब अलग अलग विचारधाराओं से आए और एक जगह बैठे एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के लिए कि हम कैसे इस मुल्क को बेहतर बना सकते हैं, हमारे बच्चों के लिए, दूसरों के बच्चों के लिए, हम भाईचारा कैसे आगे बढ़ा सकते हैं।